अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल मरी हिल्स एंड टूरिज्म से आपका मेज़बान साजिद अमीन कुरैशी जी। और ये देखिए आज स्नोफॉल रुक चुकी है जी, लेकिन ये देखिए उसके बाकियात। अस्सलाम वालेकुम। बर्फ के पहाड़ हैं, ये देखें ग्लेशियर का समा महसूस हो रहा है जी। ये देख सकते हैं आप लोगों को, ये दूसरी जानिब से दिखाऊंगा कि जहाँ देखेंगे इधर देखेंगे आपको एक ये देखें बर्फ के पहाड़ हैं जी ये, और रास्ता इसी तरह जो है वो काट के दरमियान से सारा और ट्रैक सा बना हुआ है जिससे लोग ऊपर माल रोड तक जाते हैं जी। और ये है सारा एरिया, ये देखिए जी कि कितनी अच्छी लग रही है, साइडों पे बर्फ़बारी और ये रोड सारे क्लियर हैं जी। रावलपिंडी से लेके यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है जी। इंतज़ामिया की इस दफ़ा एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त कही जी, और ये देख सकते हैं आप कि हर तरफ आपको रोड क्लीन मिलेगा, किसी को आने की कोई तंगी नहीं है जी यहाँ, ठीक है। और ये देखिए इस हद तक कि गाड़ियाँ जो हैं ये सुबह के भी 7 बजे बजने लगी हैं जी। और ये देखें एक्टिविटी ज़बरदस्त, ये देखें सुबह सुबह ये मशीनरी एक ज़बरदस्त अंदाज में काम कर रही है, ठीक है। ये हाईवे वालों की महकमा हाईवे पूरी इंतज़ामिया जितनी भी है मरी की, उन्होंने सयाहों की सहूलत के लिए इस दफ़ा, क्योंकि वो पहले एक इंसिडेंट जो हो चुका है उसके बाद से देखें एहसास तो इंसान है, इंसान जितने भी हैं हमारे वो जितने भी सोगवारान के हैं उन लोगों के जिनकी वफात हो चुकी उनके सदमे में हम लोग भी शरीक ही हैं जी। उन लोगों की कुर्बानी तो हुई, लेकिन उसके बाद से ये देख लें कि उन्होंने बाकी लोगों के लिए जो है ना सहूलियात का सबब बनी है जी। और सारे रोड जो हैं वो क्लियर, हर चीज़ रहा यहाँ से जहाँ तक आपने सफ़र करना, मरी से बाहर निकलने के जितने भी रूट्स हैं वो सारे क्लीन एंड क्लियर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, ठीक हो? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, देखें रोड्स बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हैं जी। सयाहों के लिए ये मेरे दिखाने का मकसद भी यही है कि आप कोई ये ना समझे कि जी मरी में इतने दिन स्नो हुई तो रोड्स बंद होंगे, कोई रोड्स बंद नहीं है जी, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हैं। सयाह भागते दौड़ते मरी में पहुंच सकते हैं जी। और मरी से जो है वो दिलचस्पी रखने वाले जितने भी लोग हैं वो ज़रूर आएँ जी, और लेकिन ऐसा है कि इन बाइकॉटियों से जान छुड़ा के आएँ, क्योंकि वो तो वैसे ही मायूसी फैलाते हैं ऐसे लोग, और उन पे तो कान भी नहीं धरने चाहिए। ये देखिए रोड्स बिल्कुल क्लियर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सयाहों के लिए जो है वो बड़ा रावलपिंडी से यहाँ तक
बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर पूरा कश्मीर पॉइंट माल रोड, जिस एरिया में भी आप जाएंगे देखेंगे ये मोटर एजेंसी का इलाका है जी सारा। और दिखाने का मकसद भी यही है कि बिल्कुल क्लीन आप रोड देख सकते हैं। और ये है कि आते वक्त जितने भी सयाह आए एहतियातन गरम जैकेट्स, स्वेटर्स, जॉगर्स, अच्छे शूज़, इस तरह की चीज़ें गाड़ियों में जो है वो कूलेंट डाल कर, क्योंकि ताकि वाटर फ्रीज ना हो उनका। कूलेंट का बड़ा फ़ायदा है जी गाड़ियों में। और फिर सुबह स्टार्टिंग में या किसी और सीन में मसला नहीं करते। इसी तरह जिनके पास कोई चेन वगैरह अवेलेबल हो, वो स्लिपरी तो नहीं है लेकिन फिर भी कभी शाम के टाइम ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो ये लोग इस आके कर सकते हैं जी सारा। इजी आ सकते हैं, कोई तंगी नहीं होती। बच्चों को लाते हुए एहतियात कीजिए। हर तरफ आपको एक बर्फ का मैदान वो महसूस होगा जी। ये है जी वो मोटर एजेंसी लारी अड्डा, लेकिन ये है कि ये अभी ये देखें जैसे ट्रैक बना हुआ है, और अभी क्योंकि मॉर्निंग टाइम है गाड़ियों के निकलने का टाइम भी नहीं है, और आज तो मौसम भी खुशगवार है और धूप निकलेगी इंशाल्लाह, तो ये रास्ते भी क्लियर हो जाते हैं और साफ़ सुथरी जो है ना वो सेटिंग हो जाती है जी सारी। गाड़ियाँ बड़ी अच्छे तरीके से निकल जाती हैं जी यहाँ से। लेकिन आप ये देखें, जहाँ देखेंगे एक ग्लेशियर सा माहौल मिलेगा आपको। और एक तो ऐसे है कि जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग से ही लोगों को पता चलेगा आपके हल्का अहबाब में जो लोग आना चाहते हैं वो तो देखेंगे कि ये देख सकते हैं आप गाड़ियां तैयार। और कितना लवली किस्म का माहौल है जी। ये देखिए बाकायदा बर्फ के पहाड़ है जी, ये वही बहुत ज्यादा है जी। इस दफा जनवरी में बड़े अरसे के बाद अपने होश में बचपन के बाद आप देख रहे हैं जी ज़रा काफ़ी सालों के बाद कि किस तरह का सीन, किस तरह की बर्फ़बारी। और ये तकरीबन 3 दिन मुसलसल हुई है जी और रुक नहीं रही थी। फिर ये है कि ये सारी मरी मोटर एजेंसी के होटल वगैरह और यहाँ से मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ। ये देखिए ये देख सकते हैं आप मोटर एजेंसी में क्या खूबसूरत नज़ारा है जी। सामने आपको ये बर्फबारी नज़र आ रही होगी जी, सामने देखिए बादल भी हैं, बर्फ भी हैं और बहुत अच्छा नज़ारा भी है।
यकीनन आपको जो है वो जो लोग देख रहे हैं उनका दिल तो आता होगा कि इस बर्फबारी में ऐसे माहौल में मरी में आया जाए। माइनस टेम्परेचर है जी यहाँ भी, लेकिन ये है कि ये देखिए सुभान तेरी कुदरत, देखिए कितना हसीन नज़ारा है जी। ये सारा एरिया आपको दिखा रहा हूँ जी, और ये टोटल रियलिटी है जी, और ये हर तरफ जहाँ निगाह दौड़ाए बर्फ ही बर्फ। और मलका कोसार को जो है ये स्नो चार चांद लगा देती है जी। ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा जी कि किस किस को जो है ये सीन ये मॉर्निंग टाइम में ये खूबसूरत सीनरी देखे ना, इसको आप कैप्चर कर सकते हैं अगर अच्छी लगे तो। स्क्रीनशॉट लें इसका, दूर से आपको दरख्त दिखाता हूँ कि उनमें स्नो कैसे जमी हुई है। ये अब धूप निकलेगी तो उसके बाद इन्होंने दरख्तों से जो है ये सफेदी हटेगी जी। और ये आप देखिए ज़रूर कमेंट कीजिए जी, और जितने लोग जो हैं मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं जी ये उन लोगों का साथ है और अच्छा लगता है कि वो लोग कमेंट्स भी करते हैं, देखते भी हैं। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सबको वेलकम भी करते हैं।